नींद आ रही है ना, सो जाए, जरूरत थोड़ी पूरी पिक्चर देखने। जा रहे हैं मूवी देखने जिसका नाम है जुग जुग जियो। आई थिंक वही लगी है सिनेमा हॉल में। अभी हम लोगों ने डिनर कर लिया है, हम लोगों का फुल वीकेंड मूड है तो हम लोगों ने डिनर कर लिया है द्वारका को, और ये हमारी गाड़ी घूम रही है और अभी हम निकल रहे डायरेक्ट मूवी थिएटर। बहुत बारिश हो रही है बाहर एंड दिस इज़ द बेस्ट मूड आई थिंक, और काफ़ी अच्छा लग रहा है। पता नहीं आगे क्या होगा, मूवी देखने मिलती है कि नहीं, बट इसके लिए होप इज़ फॉर द बेस्ट। एक ये हाँ हाँ जुग जुग जियो स्टार्ट हो गया क्या? शिट। कैसी लग रही पिक्चर अभी तक? अभी तक तो अच्छी लग रही है, अच्छी लग रही है, फनी लग रही है। भाभी आपको जान देने का कैसी लग रही है? सुसु लग रही है। बाबा आपको कैसी लग रही है अभी तक पिक्चर कैसी लग रही है? पिक्चर तो मध्यम मस्तर थी। देखो यार मेरे को पिक्चर से ज्यादा हंसी हंसी आ रही है। हां सही है, बाकी मतलब स्टोरी में कुछ दम नहीं है, स्टोरी में दम नहीं लेकिन हंसी आ रही है। अच्छा ये क्योंकि इन दोनों को हंसने का कोई ऑप्शन नहीं, पूरा सिनेमा हॉल खाली है, ऑनेस्टली कोई भी नहीं आया यहां पे। और बुक में शो इन दोनों का मन था मूवी नहीं नहीं मन सिर्फ मेरा था देखने का और किसी का नहीं था। और दूसरी बात की मेरा था लेकिन मेरा था भी नेटफ्लिक्स के घर पे ही देखी। नहीं नहीं और दूसरी बात की बुक माय शो में दिखा रहा था कि पूरी सीट्स फुल है, कि एक भी सीट अवेलेबल नहीं है। नींद आ रही है ना, सो जाए, जरूरत थोड़ी है पूरी पिक्चर देखने। अच्छा एसी भी चल रहा है। हाँ एसी भी चल रही है, सो जाओ, मच्छर भी नहीं है आज तक। यही बिछा के सो जाओ। ये बिछा के कैसे, मैं इतनी सीट्स खाली हूँ फिर। लार्ज बकेट लार्ज कोल्ड मैं यहाँ तक सही से और ऊपर पहुँचते पहुँचते पूरा गिर गया। अरे यहाँ शुरू हो गई, सॉरी गाइस। कैसी लगी मूवी बताओ 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 गाइस। बकवास हो रहे बाबा। सिर्फ कियारा आडवाणी की एक्टिंग अच्छी लगी और प्राजक्ता कोहली को तो मतलब बहुत ही डिसअपॉइंटमेंट मिली उसको, उसका उसकी एक्टिंग देख कर भी। ओहो और मुनीश पॉल अच्छा लग रहा था। आज हम लोगों ने वैसे प्लान किया था कि हम लोग सिर्फ डिनर करेंगे, लेकिन वहाँ पे जाते जाते प्लान बना मूवी चलते। पहले इतना नहीं बन रहा था संजोग, लेकिन फिर भगवान की कृपा हुई और हम लोगों ने ये पिक्चर देख ली। और ये पिक्चर वैसे मतलब हंसी तो मेरे को बहुत आई यार, फर्स्ट पार्ट अच्छा, सेकंड पार्ट भी मेरे को अच्छा लगा, हंसी तो आई पूरी पिक्चर में। स्टोरी कुछ नहीं थी लेकिन डायलॉग्स अच्छे थे तो हंसी आ रही थी। इनफैक्ट अगर मूड चिल करना है तो जा सकते हैं इस मूवी के लिए। ये अब क्या बोल सकते हैं, अब जो राइटर्स हैं वो भी इसी जमाने के हैं, इसी जमाने के हिसाब से सोचते हैं। नहीं ऐसे नहीं होता, स्ट्रेटेजिकली करते हैं ताकि सोसाइटी में ये सारी चीजें नॉर्मल हो जाए। गलत है, दैट इज आल्सो करेक्ट।
तो ठीक है, हम लोग यहीं आज का अपना ब्लॉग खत्म करते हैं। आशा करती हूँ आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया होगा तो इस चैनल को जरूर एक लाइक दे दीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा और शेयर भी जरूर कर लीजिएगा। क्यों भाभी? हाँ बिल्कुल। इतना टाइम लेके बोली है, प्लीज कर देना ऐसा। मतलब उन्होंने बोला है क्योंकि उनको नींद आ रही है। लेकिन भाभी यार ये क्या बोल दिया आप? रहती है घर में, चार लोगों के अलावा पंखे पे लटकी होती है रात में, गाय में बैठी है। सवेरे जल्दी उठ नहीं कर सकता। ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए। देखो यार, सबकी अपनी अपनी चॉइस होती है। आज मेरी चॉइस नहीं है।